अभी मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर चारों तरफ बाढ़ आ चुका है और जानवरों को खिलाने के लिए यहाँ पर चारा काटा जा रहा है। कुछ दादी या चाची लोग चारा काट रही हैं, उन लोगों से बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितना दिक्कत होता है पशुओं को जब पूरा चारों तरफ पानी से घिर जाता है, तो चारा काटने में कितना दिक्कत होता है उन लोगों को खिलाने के लिए। मैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो पूरा पानी ही पानी है, और मैं उन लोगों से बात करूँगा। और आ जाइए करीब, आप कैमरा मैन करीब आ जाइए, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। नज़दीक से और नज़दीक आ जाइए, आप जब करीब में आ जाइए, करीब में आ जाइए आप। और जब बाढ़ आता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, करीब जब बाढ़ आता है तो काफ़ी दिक्कत होता है पशुओं को, खास करके काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का चारा जो है समय से नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर जो चाची और रिया और बाबा जितना लोग होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं चारा काटने के लिए पशुओं को खिलाने के लिए, और यहाँ पर कुछ लोग काट रहे हैं, हम उनसे भी कितना प्रयास करेंगे। करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। रिया क्या करते लुई लेना काट पानी चर्री चर्री को पशु बांध घर है एक दिक्कत हो तो ही कटले में कितना कटा गया, एक बोझा कटा गया कि नहीं, कहाँ एक बोझा कटा पाई, कीड़ा फतिंगा के डर नहीं लागत लागत, फिर भी किया होगा पशु से। देखिए कितना मेहनत कर रही हैं, और करीब आ जाइए कैमरा में, और भी पत्ते काट रहे हैं, उनसे समझाने का प्रयास करेंगे। बाबू क्या कर रहे हो तुम, पत्ते क्या करोगे, पत्ता गाय को खिलाएंगे, गाय को खिलाओगे, तेज बोलो थोड़ा सा, कब से काट रहे हैं आप अभी आए हो, अच्छा यूँ का पत्ती काट रहे हैं, तो कौन सा पशु है तुम्हारे घर पर, गाय, गाय माता को खिलाएंगे क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है, चारों तरफ बाढ़ आ चुका है, और करीब आ जाइए एक और चाची जी हैं, जिनसे भी हम जान लें कितना दिक्कत होता है। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया से चारा काट रहे हैं, और बाढ़ जब आता है आपदा में नेता लोग तो अवसर ढूंढते हैं, मगर यहाँ पर जो किसान लोग होते हैं अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारा ढूंढते हैं, सबका अलग अलग सोच है। नेता लोग भ्रष्टाचार करके, नेता लोग भ्रष्टाचारी करने के लिए अवसर ढूंढते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जब बाढ़ आता है तो चारों तरफ कुछ ना कुछ तोड़ देता है, और नेताओं का वही अवसर मिल जाता है दूसरा फंड इकट्ठा करने के लिए, मगर जो किसान होते हैं अपने पशुओं के लिए चारा ढूंढते हैं, अपने लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं, और ये सब चीज़ें हैं। और मैं यहाँ से दिखा रहा था एक खेत में कुछ किसान लोग होते हैं जो कि अपने पशुओं के लिए चारा काट रहे हैं, इनका जो कठिन परिश्रम का मेहनत है, आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और मेरे बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए।